हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और भाई हम आ चुके हैं आज ओप्पो की फैक्ट्री के अंदर, मतलब जहाँ पे फोन बनते हैं और फिर आपके पास आते हैं। तो यार काफी डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी और इंटरेस्टिंग चीजें यार जो हमें भी शायद अलग चीजें देखने को मिले। बहुत बार इंटरेस्टिंग बोल दिया तो अंदर जाके देख लेते हैं कि क्या ऐसा है इंटरेस्टिंग इसके अंदर। तो आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी कमाल की वीडियोस के लिए। तो फटाफट से यार स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अंदर। सारा एक्सपीरियंस यार हमने यहाँ पे लिया है, मुझे भी नहीं पता था कि फैक्ट्री के अंदर भाई इतनी सारी चीजों को टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले तो यार फैक्ट्री के अंदर हम गए और फर्स्ट फ्लोर पे हमने जाना था और ड्रेस व्रेस भाई पहनी उनकी शर्ट वर्ट भाई यांश भाई ने तो दूसरी टी शर्ट पहनी है, उसमें तो भाई को खुशबू आ रही थी। ये वाली ठीक है, खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बढ़िया डीओवीओ है, डीओवीओ लगा लो। उसके बाद भाई हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। सबसे पहली जो मशीन थी ना भाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर चेक करने के लिए थी, काफी बड़ी बड़ी मशीनें थी भाई वहाँ पे टेस्ट करने के लिए। उसके अंदर भाई हर एक टेम्परेचर के ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर के ऊपर, बहुत ज्यादा गर्म, मतलब -50 डिग्री टेम्परेचर पे भाई टेस्टिंग वगैरह की जाती है। भाई ये बहुत ज्यादा गर्म है, मतलब अलग अलग सिनेरियोज में किस तरीके से आपका स्मार्टफोन काम करेगा। वो जो मशीन्स है ना उनके अंदर भाई मस्त तरीके से फोन रखे हुए थे, किसी में कैमरा ऑन था, किसी में कुछ यहाँ पे टास्क वगैरह यहाँ पे रन हो रहे थे। और इतने ज्यादा टेम्परेचर के अंदर किस तरीके से फोन सस्टेन करेगा सारी चीजों को वो भी यहाँ पे चेक किया जाता है। एक मशीन थी यार उसके अंदर ना बैटरी के सेल्स को यहाँ पे अंदर रखा हुआ था, मतलब बैटरी ऐसा ही लग रहा था वो, और उसको मॉनिटर किया जा रहा था अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर मशीन के अंदर कि किस तरीके से भाई वो यहाँ पे रिएक्ट करती है बैटरी उस टेम्परेचर के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं आती, तो वो चेक किया जा रहा था। एक और यार कमाल की मशीन थी दूसरी वाली जो कि डस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे चेक कर रही थी। उन्होंने यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया होता एक तरीके से, जो फोन को किस तरीके से भाई धूल मिट्टी में कैसा यहाँ पे परफॉर्म करेगा। मतलब अगर आप रहते हो भाई एकदम धूल मिट्टी वाले एरिया में जस्ट लाइक मी, मतलब रेगिस्तान में पूरा आपका भाई रेत रेत उड़ जाएगा, तो आपको चिंता है कि फोन में कोई दिक्कत ना हो, तो भाई वो भी यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। बहुत सारा डस्ट वस्ट मतलब फोन के ऊपर डाल के देख रहे थे कि कहीं से भी फोन में एंटर ना हो। कई बार आप सुनते हो ना IP68 या फिर IP53 IP52 स्प्लैश रेजिस्टेंट डस्ट रेजिस्टेंट सुनते हो ना, तो वो इस तरीके से यार यहाँ पे टेस्ट वगैरह करके आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे टेस्ट हो रही थी। फिर हम यार आगे भी गए थे तो अल्कोहल रब टेस्ट हो रहा था, मतलब फोन का जो बैक ग्लास होता है कैमरा ग्लास उसको भाई रब करके देख रहे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर पे भी सेम काइंड ऑफ यहाँ पे चीजें करके देख रहे थे। उसके बाद यार यहाँ पे एक पेपर बेल्ट वाला टेस्ट था, तो बैक पैनल को फ्लैक्स वगैरह कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक हो रही थी। देन यहाँ पे सबसे ज्यादा फेवरेट जो था भाई वो मेरा टंबल टेस्ट था। उसके अंदर भाई फोन को रोलर के अंदर एकदम से फोन को ऐसे डाल के घुमा रहे थे भाई, पूरा रोटेट कर रहे थे, धड़ 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 आवाज आ रही थी फोन पे भाई, बहुत तगड़ा टॉर्चर यहाँ पे हो रहा था। फोन पहले ऊपर जाएगा, टॉर्चर कर दिया था फोन को, और उसके बाद देखते हैं कि भाई फोन को टूटा उटा तो नहीं, ठीक से चल रहा है कि नहीं, सारे फंक्शन प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ पे ना बॉल टेस्ट भी करते हैं, मतलब एक मेटल की बॉल होती है उसको भी भाई गिरा के देखते हैं बैक पैनल के ऊपर जहाँ पे पीसीबी होती है ना अपना मदरबोर्ड वगैरह होता है। ओहो भाई बहुत भारी बॉल है ये तो, ऐसी तैसी कर दी फोन की। iPhone 13 Pro Max इतना साइज है इसका, बहुत इतने भारी नहीं ज्यादा है। उसके ऊपर प्रेशर डाल के मतलब गियर के देखते हैं कि कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी पीसीबी के अंदर, तो भाई ये भी टेस्ट होते हैं यहाँ पे। एंड यार यहाँ पे ना यूएसबी इंसर्शन हेडफोन जैक में प्लग इन प्लग आउट करके चेक करते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा टाइम्स, मतलब ये टेस्ट होता है इनके नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं अलग अलग। कुछ कुछ टेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो भाई 14-14 दिन तक चलते हैं, मतलब समझ रहे हो इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं फोनों के ऊपर। उसके बाद भाई ड्रॉप टेस्ट मिनी हमने देखा था। ड्रॉप टेस्ट मिनी में भाई छोटे छोटे ड्रॉप टेस्ट होते हैं भाई, थोड़ी थोड़ी हाइट से अलग अलग एरियाज में भाई गिर के दिखाया जाता है आपको। और ड्रॉप टेस्ट का भी भाई बड़े बड़े लेवल यहाँ पे होते हैं, मतलब एक लेवल था भाई उसमें ऊंचाइयों से भाई फोन को गिरा रहे थे अलग अलग सेंटीमीटर की हाइट से, साइड फेसिंग बैक फेसिंग फ्रंट फेसिंग रेग माल के ऊपर फोन गिरा भाई। तगड़ी तरीके से टेस्टिंग करते हैं कि नॉर्मल वेयर एंड टेयर में किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा रियल लाइफ के अंदर। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था देखना भाई, रियल लाइफ में ड्रॉप टेस्ट देखा था फर्स्ट टाइम, मैंने तो कभी किया नहीं है भाई। एक तगड़ा वाला टेस्ट था भाई उसके अंदर, अगर आप अपने फोन को बैक पॉकेट में रखे बैठ जाते हो, मतलब बैंड वैंड ना हो जाए फोन, उसको टेस्ट करने के लिए भाई वहाँ पे एक मतलब पैंट जैसा कुछ बना रखा था, उसके अंदर फोन इंसर्ट करके भाई उस पर प्रेशर डाल के देख रहे थे कि फोन बैंड तो नहीं होगा, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है यार। और यार आप लोग काफी ज्यादा पूछते हो कि भाई कैरियर एग्रीगेशन है कि नहीं, नेटवर्क कैसा है, रिव्यू में भी हम बताते हैं कि भाई कॉल क्वालिटी ऐसी, रिसेप्शन ऐसा है, ऐसा नेटवर्क आता है। तो यार कंपनी भी यार ये सारी चीजों को टेस्ट करती है भाई अपनी टेस्टिंग के अंदर। और इसके अंदर ना यार जीपीएस का भी एक टेस्ट वो करते हैं, मतलब किस तरीके से नेटवर्क आ रहा है, रिसेप्शन कैसा है,
नेटवर्क अलग अलग वहां पे भाई मशीन्स होती हैं जिसमें टेस्ट किया जाता है। एक वाईफाई एंटीना के लिए भी था कि वाईफाई किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रेंथ कैसी है, कैपेबिलिटी कैसी है, तो ये सारी चीजें भाई टेस्ट होती है नेटवर्क स्ट्रेंथ वगैरह को लेकर वाईफाई वगैरह से रिलेटेड। उसके बाद भाई एक और मस्त जगह थी जहां पे भाई कैमरा ऑडियो लैब थी एक तरीके से, वहां पे भाई टेस्ट रूम था वो पूरा, वहां पे काफी सारी चीजें टेस्ट हो रही थी लाइक मेन कैमरा सेंसर, वाइड एंगल, जो भी आप कैमरा देखते हो ना अलग अलग टाइप के, चाहे मैक्रो हो चाहे डेप्थ हो, भाई डेप्थ का तो भाई क्या ही टेस्ट होगा। और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस के अंदर यार अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर कैमरास को टेस्ट करते, लाइक वाइट बैलेंस कैसा है, वार्म लाइटिंग, कूल लाइटिंग के अंदर, तो ये सारी चीजों को भाई चेक करते हैं, लेंसेज वगैरह किस तरीके से है, लेंस की शार्पनेस कैसी है, डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं आ रहा है फोटोज वगैरह में, किस तरीके से परफॉर्म करेंगे अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में, तो भाई वो यहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद भाई यहाँ पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह चेक की जाती है, डिस्प्ले को अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर चेक करते हैं, यहाँ पे स्पीकर की टेस्टिंग होती है और ऑडियो वगैरह माइक वगैरह की टेस्टिंग वगैरह भी होती है, यहाँ पे रिसीवर्स वगैरह की टेस्टिंग होती है, और कैमरा को भी भाई यहाँ पे यूज करके देखते हैं कि कैमरा यूज करते हुए कितना यहाँ पे थर्मल्स उसके जा रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा हीट वगैरह तो नहीं कर रहा है फोन। ये सब चीजें यार हम अपने बैटरी ड्रेन टेस्ट के अंदर भी टेस्ट करते हैं, लेकिन वो अपने एकदम कंट्रोल्ड एनवायरमेंट के अंदर ये सारी चीजें टेस्ट करके देखते हैं। भाई यहाँ पे ना एक तगड़ी सी चीज थी भाई, सी सॉल्ट स्प्रे टेस्ट के नाम से, मतलब अगर आप भाई एकदम ऐसे समुद्र के किनारे के वहां पे रहते हो और भाई आपको लगता है कि भाई आपके फोन में कहीं से सॉल्ट वॉल्ट ये सब चीजें से दिक्कत हो सकती है, तो भाई इसका भी यहाँ पे टेस्ट होता है और उसके अंदर मशीन के अंदर भाई चेक किया जाता है सबको, सॉल्ट वॉल्ट भाई अलग अलग तरीके से टेस्ट हो जाती हैं। एक नीडल फ्लेम टेस्ट है जिसमें बैक पैनल के ऊपर भाई लिटरली यहाँ पे आग जला के देख रहे थे, मतलब कि बैक पैनल किस तरीके से उसको रिएक्ट करेगा और कितनी तरीके से, मतलब उस पर दिक्कत तो नहीं आई, कितना डैमेज वो यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा सारी चीजें। और भाई यहाँ पे सबसे मस्त टेस्ट था वहाँ पे भाई डिटॉल, साबुन, शैम्पू, जॉनसन भी भाई घरेलू चीजें जो होती है ना, मतलब सारी वो वहाँ पे थी और वो आप यूज करोगे फोन के ऊपर तो उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, मतलब ओडोमॉस लगा के भाई फोन को यूज कर रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत आई, वो भी कंपनी यहाँ पे चेक कर लेती है पहले से। यार एक ना यूवी टेस्ट भी हो रहे थे यहाँ पे, मतलब एक पूरा एक बॉक्स था जिसके अंदर वो मशीन जैसा कुछ था, उसके अंदर भाई डिवाइसेस अंदर जाते हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह लगा रखी थी, मतलब पूरा एक तरीके से वो बना रखा था कि जैसे सन की रेज वगैरह होती है, यूवी रेज वगैरह होती है, उससे तो कोई फोन में डैमेज ना हो। भाई बैटरी चार्जिंग का टेस्ट भी किया जा रहा था, मतलब चार्ज करते हुए कोई दिक्कत ना आए, टेम्परेचर्स वगैरह ज्यादा हाई वाई तो नहीं जा रहा है, अलग अलग वॉट के जो चार्जर्स वगैरह होते हैं किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, लाइक हम सोचते हैं ना कि भाई ज्यादा वॉट का चार्जर, जैसे 65 वॉट का चार्जर है और फोन सपोर्ट करता है 30 वॉट, उसमें हमने लगा दिया तो भाई क्या फोन ब्लास्ट हो जाएगा, बैटरी हेल्थ डाउन हो जाएगी या फिर हीटिंग इशू आएगी, और ये हमें देख के भाई काफी ज्यादा सुकून मिला था कि भाई हम थोड़ा बहुत सेफ है, कुछ फोन फट जाते हैं वो आपको पता है, लेकिन भाई मोस्टली डिफरेंट वॉट्स के ऊपर सारी चीजें चेक की जाती है। यहाँ पे बैटरी टेस्टिंग वगैरह भी हो रही थी यार, वैक्यूम वगैरह के चेंबर के अंदर पूरा एकदम उन्होंने क्रिएट किया हुआ था कि किस तरीके से भाई अंडर प्रेशर किस तरीके से बैटरीज वगैरह यहाँ पे शो करेगी, अलग अलग टाइप की चीजें, भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें थी। ड्रॉप टेस्ट देख के काफी मजा आया और वो जो टंबल टेस्ट था, फ्यूचर में भी यार अलग अलग ब्रांड्स की फैक्ट्रीज को विजिट करना तो इसलिए पसंद करूंगा, अगर ब्रांड्स बुलाएंगे तो भाई अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। एंड थैंक्स सो मच ओप्पो को कि भाई उन्होंने हमें इन्वाइट किया और ऐसा मौका दिया वीडियो बनाने के लिए। आपको कैसा लगा बताना जरूर, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।